हार्ड मोड ग्रैनी चैप्टर 2 प्ले करो। हार्ड मोड प्लीज। हार्ड मोड। हार्ड मोड प्लीज। हेलीकॉप्टर एस्केप। तो हेलो डीजन फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि गाइस आप लोग अच्छे होंगे। यार मेरी डीजन फैमिली कहे और मैं वो एस्केप ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो गाइस आप लोग के कहने पर मैं खेलने वाला हूं आज ग्रैनी चैप्टर 2 इन हार्ड मोड। तो गाइस सबसे पहले मैं सेटिंग कर लेता हूं। यार सबसे पहले मैं क्वालिटी चेंज करता हूं, मेरे को हाई क्वालिटी चाहिए। तो अभी मेरे को म्यूजिक नहीं चाहिए भाई। अब बाड़ी आ गई है डिफिकल्टी किसको हार्ड पे सेट करते हैं। यार मेरे को तो अभी से डर लग रहा है भाई साहब, एकदम धक धक कर रहा है। यार मेरे को तो खुद पे भरोसा नहीं है कि मैं कर पाऊंगा। आप लोगों को क्या लगता है गाइस, क्या मैं ये स्किप कर पाऊंगा? असंभव। गाइस आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ। और भाई साहब जो लोग हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब करो। और भैया बेल बजाना तो बिल्कुल मत भूलना भैया, उसको बजाने से आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी भैया। तो चलो गाइस अभी हम लोग गेम प्ले की ओर बढ़ते हैं। तो भाई साहब बहुत लोगों को नहीं पता कि हार्ड मोड में करने से क्या होता है। तो हार्ड मोड करने पर थोड़ा ग्रैनी ग्रैंड पर थोड़ा तेज तेज करके भागते हैं। मतलब आपको वो अभी आपको देखने को मिल जाएगा गाइस। तो फिलहाल के लिए गाइस हम लोग ये रेक के पास चलते हैं। और इसमें क्या है गाइस, हेलीकॉप्टर मैनुअल, जल्दी से इसको ले लेता हूँ। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा शोर करें ताकि ग्रैनी यहाँ पर आ जाए। अभी देखना गाइस ग्रैनी कितना तेज आती है। ये बुढ़िया हमेशा देसी बिटवा करती है, फिर मेरे को हमेशा मारती है। तो अभी हम लोग ग्रैनी के धोखे पे बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। और भागो यार ग्रैनी तो अभी आती ही होगी, जल्दी से गेट बंद कर लेता हूँ। तो गाइस अभी बाकी का आइटम भी यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ। और इस वाले ड्रॉअर में क्या है, स्टन गन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइस अभी ग्रैनी की खैर नहीं। और हाँ गाइस उस गंजू ग्रैंडपा की भी। ये देसी बिटवा मेरे को आजकल बहुत परेशान करता है, इसका तो गेम बजाना ही पड़ेगा। क्या मेरा गेम बजाओगी? रुको अभी बताता हूँ। कौन है रे? रुक अभी तेरे को बताती हूँ। गाइस ग्रैनी कितना फास्ट भाग रही है। ये सब मेरा डॉक्टर पोर्थो का कमाल है। क्या डॉक्टर पोर्थो? सोच रहा हूँ गाइस यही तेल लगा के मैं भी गेम प्ले करूँ। बेटा तो कोई भी तेल लगा ले पर हमसे नहीं बच पाएगा। भैंस की पूछ करंट लगा दिया रे। अभी भी मेरे अंदर जाना है, तेरे को मैं डंडा से पकड़ लूंगा। अरे गंजू कहीं का छोड़ मेरे को छोड़। यार अभी तो ये लोग मेरे को 30 सेकंड देते हैं और ऊपर से ये लोग इसमें भी टाइम वेस्ट कर दे रहे हैं। यार ये ग्रैनी ग्रैंड पर मरने के बाद भी हम लोग को बहुत परेशान करते हैं। क्या गाइस ग्रैनी ग्रैंड पर मरने के बाद आप लोग को भी ऐसे ही परेशान करते हैं? नहीं। अगर हाँ तो भाई जल्दी से कमेंट करके बताओ। नहीं। और ये यहाँ पे मैंने लगा दिया पीस ऑफ पेंटिंग। तो अभी गाइस मैंने नीचे में एक और पेंटिंग दिखा था, तो जल्दी से उसको भी ले आते हैं। और ये रहा गाइस हमारा एक पीस ऑफ पिक्चर। सॉरी यार मैं कब से पेंटिंग बोल रहा था, मेरे को लगा पेंटिंग है, पर ये पिक्चर निकला रे पापा। तो अभी हम लोग वो पिक्चर को लेकर चले गए पापा, ताकि ये गेट को खोल सके रे पापा। तो गाइस इस वाले डोर को ओपन करने के लिए मुझे एक और पिक्चर लगेगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। तो अभी हम लोग एक और पिक्चर को ढूंढेंगे, उससे पहले हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें गाइस ग्लास फ्यूज मिल चुका है। तो अभी क्या गाइस, तो गाइस जल्दी से हम लोग इसको ऊपर की ओर लेके चलते हैं और ऊपर में जल्दी से इसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। तो गाइस अभी 30 सेकंड से कुछ ज्यादा ही हो गया है। तो अभी ग्रैनी ग्रैंड पर दोनों के दोनों आ चुके होंगे। तो अभी क्या गाइस, अभी हम लोग ग्रैनी को मार के धजिया उड़ाने वाले हैं। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे ग्रैनी को बुला लेंगे। तो जल्दी से आ जाओ ग्रैनी बुढ़िया, क्योंकि अभी हम लोग आपका करने वाले हैं स्वाहा। देसी बिटवा, देसी बिटवा, मेरे को पता तू मेरे को सूट नहीं करेगा। नहीं किसने बोला आपको कि मैं सूट नहीं करूंगा? अब मैं वो बच्चा नहीं रहा जो मैं आपकी चिकड़ी चिकड़ी बातों पर आ जाऊं। और ये देखो गाइस, ये ग्रैंडपा फिर से कैंपिंग करने लग गए। ग्रैंडपा, ओए ग्रैंडपा, गंजू ग्रैंडपा। बेटा गंजू किसने बोला? नहीं मेरी पूरी डीएचएन फैमिली ने बोला, बोलो क्या कर लोगे? गाइस सब लोग लिखना गंजू ग्रैंडपा, ताकि इस गंजू को पता चल जाए कि हमारी डीएचएन फैमिली से डरती ही नहीं है। तो कमेंट में गाइस गंजू ग्रैंडपा लिख दो गाइस। तो फिलहाल के लिए मैं गेट को ओपन कर लेता हूं। और अभी गाइस नीचे की ओर चलेंगे और देखते हैं यहां पे क्या है। Oh my God, हेलीकॉप्टर की। तो अभी क्या गाइस, अभी हम लोग ऊपर की ओर चलेंगे और इसको यहीं पे ड्रॉप कर देंगे गाइस। तो गाइस इसको हम लोग बेड पे इसलिए ड्रॉप के ताकि वहाँ पे शोर ना हो। और ये देखो गाइस ग्रैनी वापस से आ गई। तो अभी मैं ये पीस ऑफ पेंटिंग लेकर जल्दी से ऊपर की ओर चलता हूँ। तो अभी गाइस ग्रैनी से पंगा लेना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि अभी मेरे को नहीं मरना रे बाबा। तो गाइस जल्दी से मैं इसको बेड पे ड्रॉप करता हूँ। और अभी गाइस मरना नहीं है, मारना है, है ना, क्योंकि ये बुढ़ा बुढ़िया है ना जो बहुत मारते हैं। यार मेरे तो झाड़ू पोछा बर्तन और कमोड कमोड भी तो तेरे से साफ करवाते, ये भी बोल दे मेरे को हमेशा मारते रहता है तू। अभी यार ग्रैंडपा आते ही होंगे, भाग लो यहाँ से। यार ये ग्रैंडपा मेरे को सरप्राइज ना दे दे बस। पता नहीं गाइस ये ग्रैंडपा अभी कहाँ पे कैंपिंग कर रहे होंगे। यार मेरे को तो अभी बहुत डर लग रहा है, बस यार ये एस्केप पूरी हो जाए। अभी का सिचुएशन देख के क्या लगता है गाइस, क्या ये एस्केप पूरी होगी? नहीं यार मेरे को नहीं लगता मेरे से हो पाएगा। अभी गाइस मेरे को बहुत डर लग रहा है। और यार मेन बात कि ग्रैंडपा भी अलाइव है, और भाई साहब वो अचानक से कहीं पर भी आकर कहीं से भी सरप्राइज दे देते हैं। अच्छा हमको सिखा रही है। और गाइस मैं यहाँ से नहीं जाने वाला,
मेरे को पता ग्रैंडपा वहीं कहीं कैंपिंग कर रहे होंगे। गाइस ये मेरे को ये ग्रैंडपा बिल्कुल भी नहीं पसंद, आई डोंट नो क्यों यार। यार ये ग्रैंडपा का फेस देख के मेरे को काफी हंसी आती है, मेरे को तो ग्रैंडपा बेवड़ा इंसान दिखते हैं। और ये लो गाइस अभी काफी शोर हो गया, गाइस ग्रैनी तो आती ही होगी। और ये लो गाइस ग्रैनी आ गई। यार मैं बिल्कुल भी शोर नहीं करने वाला, शोर तो अभी यहीं से हुई थी, शायद मेरे कान बजने लग गया है। मेरे को तो लगता है ग्रैंडपा के कराटे की साउंड है। ग्रैंडपा ग्रैंडपा उठ जाओ ग्रैंडपा। मेरे को कौन उठा रहे, कौन आ रहे? यार ग्रैंडपा कितना अच्छा सो रहे थे, ये उनको भी उठा दी। यार अब ये दोनों मिलके मेरे को परेशान करेंगे, तो फिलहाल के लिए मैं जल्दी से सीवर को ओपन कर लेता हूँ। और अभी गाइस हम लोग को ऊपर भी जाना है। भाई साहब ऊपर का मतलब ऊपर वाले फ्लोर पे, ऊपर मत समझ लेना। और भाई साहब क्या चल रहा है आजकल? अबे फॉग चल रहा, फॉग। तो गाइस मैं इसको यहीं पे ड्रॉप करता हूँ। और अभी गाइस ग्रैनी वहाँ पे सूर सुन के वहाँ पे भागे भागे चली जाएगी, और मैं अभी अपना स्टन गन आराम से ले पाऊंगा। तो अभी गाइस हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं, और गाइस जल्दी से हम लोग अपना स्टन गन को ले लेते हैं, वरना तो ग्रैंडपा चुरा लेंगे रे बाबा। तो गाइस मैं मजाक कर रहा हूँ, ये स्टन गन है जो वो ग्रैंडपा का ही है। हमारे मतलब बाप को मत दिखा, इनके घर में चोरी तो मैं करने आया रे पापा। रुक चोर कहीं का, मैं तेरे को अभी बताती हूँ। तभी तो मैं सोचू तू वापस क्यों आया। हाय करंट लगा दिया। ग्रैंडपा पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ ग्रैंडपा। पुलिस कैसे ले, तो मैं ही काफी हूँ। ग्रैंडपा मेरे से पंगा लेना आपको महंगा पड़ जाएगा। महंगा पड़ गया क्या, महंगा पड़ गया देसी बटवा, अब मैं तेरे से कभी पंगा नहीं लेगा। तो अभी क्या गाइस, अभी हम जल्दी से बेबी स्पाइडर वाले एरिया पे चलते हैं। और अभी तो लोग बेबी स्पाइडर को नहीं छोड़ेंगे रे पापा। बेबी स्पाइडर, बेबी स्पाइडर, अच्छा 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 अच्छा। हले भाई जब जाओ ना, माता मत खराब कर लो। ये ले बेबी स्पाइडर, कश्मीरी सेब खा ले। हले भाई जब कश्मीरी सेब बोलकर बॉम्ब चिपका डाला। तो अभी जल्दी से ये सेफ्टी को लेकर हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं। यार बड़ा मेहनत से मुझे ये सेफ्टी मिला है गाइस, बस गाइस सेफ लॉकर में मेरा कुछ काम का हो, वरना मेरे को बहुत बुरा लगेगा रे बाबा। रियली गाइस अगर कुछ गलत निकल जाए ना सेफ्टी लॉकर से, तो बहुत दिल से बुरा लगता है गाइस। ओ माय गॉड गाइस हमें मिल गया गैसोलीन कैन। यार ये तो हमारा बहुत काम की चीज है। यार ये हमारे लिए तो काम की चीज तो है ही, लेकिन ग्रैंडपा इस पे अपनी जान छिड़कते हैं। अगर ग्रैंडपा को जरा सा भी पता चल गया ना कि ये मेरे हाथों में लग गया है, तो ग्रैंडपा मेरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और यार ये बेबी स्पाइडर कितना चिल्ला रहा, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। तो गाइस मैं इसको जल्दी से यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। और ये देखो अभी ग्रैनी को देख लो यार। यार नहीं खेलना मेरे को आपके साथ हाइड एंड सीक। भाई ये बुढ़िया को कोई भी समझाओ यार, ये उम्र उनका भजन कीर्तन करने का है। पर नहीं ग्रैनी को भाई सब नुक्का छुपी खेलना है इस उम्र पे। तो अभी गाइस हम लोग ग्रैनी को ना बोलते हैं, गाइस हमें नहीं खेलना है ग्रैनी के साथ नुक्का छुपी, क्योंकि यार ग्रैनी हमेशा चीटिंग करती है। यार बुढ़िया धप्पा बोलने के जो डंडा मारती है सीधा सर पे, तो बताओ यार ऐसे में कौन खेलेगा नुक्का छुपी इसके साथ। तो गाइस मैंने बेड पे हेलीकॉप्टर की छोड़ा था, और गाइस अभी जल्दी से इसको ले लेते हैं और गाइस ऊपर की ओर चलते हैं। तो अभी हेलीकॉप्टर स्किप करने के लिए मैं सारा आइटम मिल चुका है गाइस, बस गाइस सिर्फ और सिर्फ असेंबल करना बाकी है। तो गाइस हेलीकॉप्टर की को मैं यहीं पे ड्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि अभी गाइस हमें खतरों से खेलकर स्टन गन भी लाना जरूरी होगा। और मेरे को तो लगता है कि ग्रैनी ग्रैंड पर दोनों के दोनों नीचे में कैंपिंग कर रहे हैं। तो गाइस यार थोड़ा सा तो बच के ही रहना होगा, बस यार कोई अचानक से प्रकट मत होना वरना मैं डर जाएगा रे पापा। तो गाइस अभी नीचे में मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है, तो जल्दी से अपना स्टन गन ले लेता हूँ, अपना नहीं मतलब ग्रैंडपा का स्टन गन ले लेता हूँ। अब जिसको भी आना आ जाओ ग्रैनी ग्रैंडपा। मेरे को बुलाया, ये ले मैं आ गया। हाँ मेरे को बहरामी से मार डाला रे। तो गाइस अभी मेरे हाथों से ग्रैंडपा की पिटाई हो चुकी है, और ग्रैनी अभी वहाँ पे आती ही होगी। तो जल्दी से यहाँ से हम लोग निकल लेते हैं गाइस, क्योंकि लिटरली मैं नहीं पिटना चाहता हूँ ग्रैनी से। तो गाइस अभी यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे कुंडी वंडी मार के ऊपर की ओर चलते हैं हम लोग। और फाइनली गाइस हम लोग स्केप के काफी करीब पहुंच चुके हैं। तो फिलहाल के लिए गाइस मैं पीस ऑफ पेंटिंग को ले लेता हूं, और गाइस ये लास्ट वाला पीस को मैं इसको यहां पे लगाऊंगा। और अभी हमारा डोर ओपन हो चुका है गाइस। तो अभी क्या गाइस, अभी हम लोग जल्दी से स्टन गन को उठा लेते हैं गाइस। और यार अभी तो मेरे को वो गेम भी खेलना पड़ेगा, यार ये वाला गेम मेरे को बहुत हार्ड लगता है गाइस। तो अभी गाइस थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अभी जैसे ही नीचे आएगा हम लोग शूट कर देंगे। एक तो ग्रीन हो गई गाइस, अभी दूसरी की बारी। तो अभी गाइस वापस से थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, और ये मैंने कर दिया शूट। तो अभी गाइस एक लास्ट बचा है, कीप पेशेंस देसी बिटवा। बस एक बार नीचे आ जाए, बस एक बार आ जाए, और ये भी पूरा। पर बूम गाइस फाइनली हम लोगों ने ये वाला डोर को भी अनलॉक कर ही लिया। तो अभी गाइस वहां जाने से पहले हम लोग जल्दी से ग्लास फ्यूज को भी ले लेते हैं, क्योंकि उस साइड जाने के लिए हमें ग्लास फ्यूज की बहुत जरूरत पड़ेगी गाइस। और आप लोगों को पता ही होगा अगर हम लोग बिना ग्लास फ्यूज का वहाँ पे जाने का कोशिश करेंगे, तो गाइस सीधा का सीधा नीचे गिरेंगे, एकदम धड़ाम से गिरेंगे रे बाबा। और यार अभी तो मैं सच में गिर जाता। 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। गाइस अभी तो मैं बाल बाल बचा,
तो गाइस अभी मैं सबसे पहले ये वाला डोर को ओपन करूंगा। और अभी क्या गाइस, अभी हम लोग जल्दी से हेलीकॉप्टर को असेंबल करना शुरू कर देते हैं गाइस। तो सबसे पहले मैं एक गैसलिन को लेकर चलता हूँ। और अभी गाइस हम लोग पूरा टैंक फुल कर देंगे गाइस, क्योंकि अभी यही हेलीकॉप्टर लेके हमें पनवेल भी तो निकलना है पापा। भाई साहब पनवेल से मुझे याद आया, हमारा डक टिप तो पनवेल में ही छूट गया, मेरा मतलब हमारा डक टिप तो गाइस नीचे में ही छूट गया। अरे भाई साहब ये मैंने क्या कर दिया, अभी मेरे को नीचे वापस से जाना पड़ेगा गाइस। और गाइस अभी मेरे को काफी डर लग रहा है, ग्रैनी ग्रैंडपा मेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे यार। अभी हम लोगों ने इतना मेहनत से ऊपर आया था और अभी वापस से नीचे जाना। एक सेकंड, इसको मैं ड्रॉप करके ग्रैनी को नीचे जरूर बुला सकता हूँ। देसी बिटवा, ओ देसी बिटवा। ग्रैनी तो मैं अभी आपका हेलीकॉप्टर लेके भागने वाला हूँ। ये तो इम्पॉसिबल है, आपके इस देसी बिटवे के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बताऊंगी ग्रैनी, अभी आपने इसका एमओ चुरा लिया, मेरे को स्टन गन का एमओ चाहिए, जल्दी से मेरे को एमओ दो। और अभी तो ग्रैंडपा आते ही होंगे। हां तो तेरे को मैं नहीं छोड़ूंगा, पहले सही से पकड़ तो लो ग्रैंडपा। तो गाइस अभी मैं जल्दी से डक टिप लेता हूं और यहां से निकल लेता हूं। मैं तेरे को नहीं जाने दूंगा देसी बिटवा, चल निकल निकल ग्रैनी निकल। गाइस मेरे को एक बात समझ में नहीं आती यार, आखिर ये टेप चिपका कर हेलीकॉप्टर कौन उड़ाता है? मेरे को तो अभी यार ये हेलीकॉप्टर से एस्केप करने में डर भी लग रहा है। खैर मैं अभी यहाँ पे डक टिप को लगा लेता हूँ। तो गाइस अभी एस्केप करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर की चाहिए होगा, जो कि मैंने यहाँ पे रखा है। तो अभी मैंने ये हेलीकॉप्टर की को ले लिया है गाइस। और अभी गाइस मैं ये एस्केप करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो अभी गाइस हम लोग जल्दी से हेलीकॉप्टर के अंदर चलते हैं और इंजन स्टार्ट करते हैं। और फाइनली गाइस हमारा हेलीकॉप्टर एस्केप पूरा होने वाला है। और गाइस जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार जल्दी से लाइक कर दो, और नए हो तो गाइस सब्सक्राइब करो। और यार याद उड़ेगा भी कि नहीं। और फाइनली गाइस हम लोगों ने हेलीकॉप्टर एस्केप हार्ड बोर्ड में पूरा कर लिया है। और ये देख लो गाइस ग्रैनी ग्रैंडपा भी दोनों के दोनों ऊपर आ चुके हैं। देसी बिटवा आते वक्त धनिया लेते आना और मेरे लिए बिमल भी लेते आना, बोलो चबा केसरी। तो टाटा बाय, सी यू, सायोनारा गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।